بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
وللمؤمنين يوم يقوم
بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن ثم رددناه أسفل سافلين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله الحمد لله رب العالمين والعاقبت للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجهک المنیری لقد نور القمر لا یمکن الصناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ہم اللہ کی جلوہ گری دیکھ رہے ہیں ہم اللہ کی جلوہ گری دیکھ رہے ہیں یا حسن و جمال مدنی دیکھ رہے ہیں جس وقت کہوں صلی علی آل محمد سمجھو کہ رسول عربی دیکھ رہے ہیں
अजीजा ने गिरामी कदर माशाल्लाह आज की ये खूबसूरत सालाना अजीम शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अली वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह आज के मदीना आज के रसूल जनाबे मलक मंजूर हुसैन अवान साहिब और रहमतुल्लाह ताला ले आपके इस साले सवाब के हवाले से आज की ये खूबसूरत महफिल पाक की निकात पजीर है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह पाक इस महफिल के सदके मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और इस महफिल के सदके जितने भी मुसलमान इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह पाक सब की बख्शिश फरमाए। अजीजा ने गिरामी कदर आज की खूबसूरत महफिल पाक जनाबे मलक मोहम्मद कैसर मंजूर साहिब और मलक मोहम्मद फैसल मंजूर साहिब आपके जेरे तमाम आज की खूबसूरत महफिल पाक इनका पजीर है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह पाक इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और बिलखसूस आज की खूबसूरत महफिल पाक में जनाबे शहर सियालकोट से जनाबे मलक मोहम्मद इलियास साहिब आप तशरीफ फरमाएं और आपके हुक्म से ही यहाँ पे मेरी हाजिरी हो रही है। अल्लाह पाक हम सब का यहाँ पे आना बैठना सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और जनाबे मोहतरम इज्जत माब भाई मोहम्मद सज्जाद साहिब भूरेवाला से और हजरत अल्लामा कारी पीर मोहम्मद वसीम अफजल खान साहिब आप तशरीफ फरमाएं और आपकी मोहब्बत और आपका प्यार है कि ये मेरे साथ यहाँ तक पहुँचे हैं अल्लाह पाक इनको मजीद इज्जतें और बरकतें अता फरमाए। अजीजा ने गिरामी कदर जितने भी अहबाब यहाँ पे तशरीफ फरमाएं जिनके नामों से मैं वाकिफ नहीं हूँ मगर जिनका जिक्र हो रहा है वो सभी को जानते हैं कौन आया है कौन नहीं आया। अल्लाह पाक सबका यहाँ पे आना बैठना सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अजीजा ने गिरामी कदर जहाँ तक मेरी आवाज पहुंच रही है तमाम अहबाब से मैं गुजारिश करता हूं कि वो पंडाल में तशरीफ रखें। अल्हम्दुलिल्लाह महफिल पाक का बकायदा आगाज अल्लाह रब्बुल इज्जत के पाक कलाम से हो चुका है। तमाम अहबाब से मैं गुजारिश करता हूं कि जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है वो पंडाल में तशरीफ रखें और जितने भी अहबाब इंतजामिया के बाहर खड़े हैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि वो भी पंडाल में तशरीफ ले आए। अल्हम्दुलिल्लाह काम जो है दुनिया के काम तो सारी उम्र ही खत्म नहीं होने मगर अल्हम्दुलिल्लाह महफिल शुरू हो चुकी है। तमाम अहबाब से गुजारिश करता हूँ कि वो पंडाल में तशरीफ ले आए और ये जो अहबाब पीछे बैठे हैं इनसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आए। ये जो खला हाली है इसको जरा पुर कर लें बड़ी मेहरबानी अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और ये जो अहबाब बिल्कुल पीछे बैठे हैं अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। सरकार की महफिल में बंदे को बिल्कुल आगे आके बैठना चाहिए और सरकार की महफिल में बंदे को आगे बैठ के फख्र महसूस करना चाहिए। जितने अहबाब ये पीछे बैठे हैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ और ये जो मेरे भाई जिन्होंने मास्क पहने हुए हैं इनसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आए। इंशाल्लाह आप जितना करीब होंगे इंशाल्लाह उतनी मोहब्बत जो है वो मजीद बढ़ेगी क्योंकि अभी मलक इलियास साहब और सज्जाद साहब अभी रात बाकी है मेरी और आपकी मुलाकात बाकी है। इंशाल्लाह अभी तो महफिल शुरू हुई है अब एक नारा बुलंद करते हैं क्योंकि आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं आपको सरकार ने बुलाया है आप आए हैं। माशाल्लाह आज पढ़ने वाले भी सारे खूबसूरत हैं और माशाल्लाह आज इस महफिल में साउंड जो है वो भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है अल्लाह पाक इनको मजीद इज्जतें अता फरमाए। माशाल्लाह वजदान साउंड ये चूरा शरीफ का फैजान है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक इनको मजीद इज्जतें और बरकतें अता फरमाए। एक नारा बुलंद करते हैं उसके बाद इंशाल्लाह मैं अपनी बजम के पहले सना खान को आपकी समातों की नजर करता हूँ। नारे तकबीर हाँ माशाल्लाह बोलिए जरा नारे रिसालत मौलाए कायनात के नाम पे दोनों हाथ उठा के नारे हैदरी नारे तहकी नारे गौसिया ताजदारे खत्मे नबूवत ताजदारे खत्मे नबूवत। मैं चार मिसरे कहने लगा हूं अपनी हाजिरी का आगाज कि तू करीम है तू करीम है तू करीम है तू करीम है तू
तू रहीम है, तेरी जात सबसे अजीम है, हम पर भी हो तेरा करम, तेरे करम पे हमको यकीन है। तू करीम है, तू रहीम है, तेरी जात सबसे अजीम है, हम पर भी हो तेरा करम, तेरे करम पे हमको यकीन है। क्योंकि किबलाकारी साहब बड़े ही खूबसूरत अंदाज में कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे थे। अल्लाह पाक आपकी उम्र में, इल्म में, इज्जत में मजीद बरकतें और इज्जतें अता फरमाए। अजीजा ने गिरामी कदर के उस पाक कलाम से कर रहा हूँ आगाज़े बयां। वो जात जो नजर को बनाई देती है, नजारों को रनाई देती है, खुले गुलशन को जेबाई देती है, शमसो कमर को रोशनाई देती है, हर जानदार चीज को तवानाई देती है, हर जानदार चीज उसी की बारगाह में दुहाई देती है। क्योंकि उसकी कुदरतों के जलवे चमकती सुबह में भी है, चमकती दोपहरों में भी है, रंगीन शामों में भी है, अहलुल्लाह की बातों में भी है। इकबाल कुछ यूं लिखते हैं कि चमक तेरी आया आतिश में, बिजली में, शरारे में है, झलक तेरी हवैदाए सूरज चांद में, सितारे में है, सदाए लंतरानी सुनकर ए इकबाल मैं चुप रह गया, तकाजों की कहां ताकत मुझ फुरकत के मारे में है। क्योंकि पंजाबी का शायर कुछ यूं लिखते हैं कि मैं हमद उस खुदा दी करन लगा, जिदे आसरे ते मैं तरी जाना, है सारा जहां तेरा मंगता, तू सब दियां चोलियां परी जाने, लाल नए ताज मुत कबरा दे, ओहो ताज कदामा दे सिर उते तरी जाने, तेनू कोई नहीं सरदार आख सकदा, मौला की करी जाने, की करी जाने, की करी जाने। क्योंकि तू करीम है, तू रहीम है, तेरी जात सबसे अजीम है, हम पर भी हो तेरा करम, तेरे कर्म पे हमको यकीन है, तेरे कर्म पे हमको यकीन है, तेरे कर्म पे हमको यकीन है। माशाल्लाह, बड़ी मोहब्बतों के साथ जितने भी अहबाब यहाँ पे तशरीफ फरमा हुए, मैं सभी को खुशामदीद कहता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह चंद ही मिनटों के बाद जो है ये पंडाल जो है ये इंशाल्लाह फुल हो जाएगा। तो बड़ी मोहब्बतों के साथ माशाल्लाह मुझे जिस तरह किबला इंतजामिया की तरफ से हुक्म है, आपके हुक्म के मुताबिक ही खूबसूरत आवाज के हामिल सना खान बुलबुल बागे मदीना मताहे हबीब लबीब जनाब हाफिज मोहम्मद हसनात जावेद कादरी साहिब आपसे मुल्तवी हूँ कि आप तशरीफ लाए और हजूर की बारगाह में एक गुलहाए अकीदत पेश करें जनाब हाफिज मोहम्मद हसनात जावेद कादरी से। जी माशाल्लाह, अजीजा ने गिरामी कदर, चले चंद ही मिनटों के बाद वो भी इंशाल्लाह तशरीफ ले आएंगे। तो बड़ी मोहब्बतों के साथ जनाबे भाई मोहम्मद शाहिद कादरी साहब आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप तशरीफ लाएं और नजराना है अकीदत पेश करें। तमामी अहबाब आवाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि का या या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबी अल्लाह। मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कोई मिसल नहीं डोलन दी,
कोई मिसल नी डोलन दी, कोई मिसल नहीं डोलन दी, कोई मिसल नहीं डोलन दी, कोई मिसल नहीं डोलन दी। हाँ जोलियां भर दे दे रेंदी लोड़ नहीं बोलन दी, ते दावा यार दीवाने दा, दावा यार दीवाने दा, दावा यार दीवाने दा। सानू हसनैन देना देदा ते सोने दी चैन होवे, सोने दी चैन होवे, सोने दी चैन शान की पुछने जिदा पुत्र हुसैन होवे। हाँ ओदा शान की पुछने जिदा पुत्र हुसैन होवे, हाँ ओदा शान की पुछने जिदा पुत्र हुसैन होवे। और बड़ा ही खूबसूरत कलाम। हाँ लोगों को तो दुनिया में यूं लाख सहारे हैं, लोगों को तो दुनिया में यूं लाख सहारे हैं, हमको यही काफी है। बुलंद करके हाथ की गवाही देनी है। सरकार हमारे हैं हमको यही काफी, जिन्हें सरकार ने हाथ बुलंद करके ये मैशद वाले दिन गवाही हाथ गवाही देन दे, हमको यही काफी है। सरकार हमारे हैं हमको यही काफी है, सरकार हमारे हैं। लोगों को तो दुनिया में यूं लाख सहारे हैं, लोगों को तो दुनिया में यूं लाख सहारे हैं, हमको यही काफी है। सरकार हमारे हैं सल्ले आला मोहम्मद, सल्ले आला मोहम्मद, सल्ले सल्ले आला, सल्ले आला मोहम्मद। बड़ा खूबसूरत शेर। रख लेना परम मेरा महशर में मेरे आका, रख लेना परम मेरा महशर में मेरे आका, कुछ भी है मेरे आका नौकर जो तुम्हारे हैं, कुछ भी है मेरे आका नौकर जो तुम्हारे हैं, हमको यही काफी है। सरकार हमारे हैं हमको यही काफी है, सरकार हमारे हैं। सल्ले आला मोहम्मद, सल्ले आला मोहम्मद, सल्ले आला, सल्ले आला, सल्ले आला मोहम्मद। पंज तन के घराने का हुआ जब से मैं नौकर,
पांच तन के घराने का हुआ जब से मैं नौकर, पांच तन के घराने का हुआ जब से मैं नौकर, उस वक्त से फिर अपने वारे ही न्यारे हैं, उस वक्त से फिर अपने वारे ही न्यारे हैं, हमको यही काफी है सरकार हमारे हैं, हमको यही काफी है सरकार हमारे हैं, सल्ले आला मोहम्मद, सल्ले आला मोहम्मद, सल्ले आला, सल्ले आला, सल्ले आला मोहम्मद। कुर्बान तेरी शान पे हसनैन के नाना, कुर्बान तेरी शान पे हसनैन के नाना, सदके तेरी नालैन के मेरे भी गुजारे हैं, सदके तेरी नालैन के मेरे भी गुजारे हैं, हमको यही काफी है सरकार हमारे हैं, हमको यही काफी है सरकार हमारे हैं। हाँ गरे अली दे आया गाजी, गरे अली दे आया गाजी, बोलो गरे अली दे आया गाजी, पैर तरती ते पाया गाजी, गरे अली दे आया गाजी, पैर तरती ते पाया गाजी, आओ है दर ते दर ते चलिए, आओ है दर ते दर ते चलिए, आओ मौला को लाग लबिए, के सेरा कमिया ने गाया गाजी, सेरा कमिया ने गाया गाजी, गरे अली दे आया गाजी, हाँ गरे अली दे आया गाजी, पैर तरती ते पाया गाजी। और बड़ा खूबसूरत शेर सुनो और अपने मानो ताजा करो, के अज ते जाते रसूल होश है, अब्बास आए बतूल होश है, के रंग दवावा ने लाया गाजी, रंग दवावा ने लाया गाजी, हाँ रंग दवावा ने लाया गाजी, गरे अली दे आया गाजी, गरे अली दे आया गाजी, पैर तरती दे पाया गाजी। अजीज़ा ने गिरामी कदर, बड़ी मोहब्बतों के साथ मैं जनाब मोहतरम मोहम्मद सज्जाद साहिब आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप तशरीफ लाए और नजरानाए अकीदत पेश करें। तमाम अहबाब आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि रसूल सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक बार सब मिलके पढ़ लो, सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह, वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह।
तेरे होते जन्म लिया होता या रसूल अल्लाह तेरे होते जन्म तो तुझे मिला होता फिर कभी तो तुझे मिला होता माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जनाब मोहतरम मोहम्मद सज्जाद साहिब अपनी नौकरी पेश कर रहे थे। अल्लाह पाक इनको मजीद इज्जतें और बरकतें अता फरमाए। अजीजा ने गिरामी कदर माशाल्लाह यहाँ पे साहबान इल्म और दना अहबाब तशरीफ फरमाए। अभी एक नारा बुलंद करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह मैं दो चार जुमले आपकी समातों की नजर करना चाहूँगा। नारे तकबीर
थोड़ा जा होर होली बोलो ताकि कोई बंदा सुन ना लवे। नाराय दी सालत जिन्ने बंदे तुसी भी बोलते हो अगर माइक तो बगैर मैं बोलना तो फिर भी मेरी आवाज थोड़े सार ना उच्ची हो। आला हजरत लिखते हैं कि तेरे टुकड़ों से पहले गैर की ठोकर पे ना डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। जो बंदा मेरे करीम आका के टुकड़ों पे पला है वो बंदा दाएं हाथ उठा के बोले जरा सुभान अल्लाह। हाँ, नारा हैदरी मौला कायनात के नाम पे दोनों हाथ उठा के जरा नारा हैदरी। तवज्जो मेरी तरफ, मैं दो चार जुमले कहने लगा हूँ। किबला बाबा जी, किबला फैसल साहब, सजाद साहब, मलिक लियाज साहब, कैसर साहब, जितने भी है बाबा बाप तशरीफ फरमाए कि नामे मोहम्मद बेहद कमाल रखता है। नामे मोहम्मद बेहद कमाल रखता है। पहला मिसरा मैंने कह दिया और दूसरा मिसरा कहने लगा हूं और जितना बड़ा मिसरा कहने लगा हूं बस आपने उतनी ऊंची आवाज में सुभानअल्लाह की आवाज को बुलंद करना है कि यहां से आवाज उठे और गुंबद खजरा तक पहुंच जाए कि नामे मोहम्मद बेहद कमाल रखता है। नामे मोहम्मद बेहद कमाल रखता है। मेरे ऐबों पर पर्दे भी डाल रखता है। नामे मोहम्मद बेहद कमाल रखता है। मेरे ऐबों पर पर्दे भी डाल रखता है। हजार आफतें आई एक बाल भी बीका ना हुआ। तवज्जो मेरी तरफ। सारी जिंदगी जो बंदा सुभान अल्लाह नहीं बोला वो अब इस मिसरे पर जरूर बोलेगा कि नामे मोहम्मद बेहद कमाल रखता है। मेरे ऐबों पर पर्दे भी डाल रखता है। हजार आफतें आई एक बाल भी बीका ना हुआ। अरे कोई तो है जो मेरा ख्याल रखता है। क्योंकि अंजुम की जाओ न शमसो कमर का दहूर था, आंखें भी जब ना थी तो मोहम्मद का नूर था। अब जिसका ये अकीदा है कि हजूर जिंदा है, हजूर जानते हैं, वो आज इस महफिल को देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। अब वो बंदा जो मेरे करीम आका का कमी बैठा है, अब वो बंदा दोनों हाथ उठा के बोलेगा नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत। क्योंकि मेरे सामने का माहौल जिंदा है, हर बेअसूल के लिए असूल जिंदा है। मना के जश्न मिलाद बता दे सारी दुनिया को, हम वही लोग हैं जिनका रसूल जिंदा है, हम वही लोग हैं जिनका रसूल जिंदा है। तो आला हजरत कुछ यूं लिखते हैं, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरी जश्न आलम से छुप जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं, सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले दुआ करता हूँ। जो बंदा सीने का जोर लगा के बोले मौला हुसैन का सदका, उसे कभी दिल का टैग ना हो। अब सीने में जितना जोर है उतना जोर लगा के बोलिए नारा रिसालत। जो मेरी तरफ आला हजरत लिखते हैं कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब और मुहिब में नहीं मेरा तेरा। जिसे समझ आई है वो बंदा बोले सुभान अल्लाह, जिसे नहीं आई वो भी बोले तेरा सुभान अल्लाह। क्योंकि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब और मुहिब में नहीं मेरा तेरा। मैं इस मिसरे को खोलने की कोशिश करता हूं। क्या कभी आपने इस बात पे गौर किया है? क्या कभी आशिक और मशहूक में, क्या कभी तालिब और मतलूब में, क्या मेरे तेरे नफाक और तफरीक की बात हुई? हाँ, आइए यहाँ पे मैं मोहब्बत से अकीदा पढ़ने की कोशिश करता हूँ और कलमा तौहीद और रिसालत से खिरात लेता हूँ कि अल्लाह ने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कलमा एक है मगर हिस्से दो, ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्सा अव्वल मुहम्मद रसूलुल्लाह, हिस्सा रिसालत हिस्सा तौहीद के हर्फ 12, हिस्सा रिसालत के हर्फ 12, हिस्सा तौहीद में जात अल्लाह, हिस्सा रिसालत में जात मोहम्मद, अल्लाह के हर्फ 4,
मोहम्मद के हरफ चार। अब मैं अकीदे के हवाले से जुमला कहने लगा हूँ। सारी जिंदगी जो बंदा सुभान अल्लाह नहीं बोला, वो अब इस मिसरे पर दोनों हाथ उठा के सुभान अल्लाह की आवाज को बुलंद करेगा कि अल्लाह के हरफ चार, मोहम्मद के हरफ चार। अल्लाह पे नुक्ता नहीं है, मोहम्मद पे नुक्ता नहीं है। जब कोई मुहिब अपने महबूब पे नुक्ता बर्दाश्त नहीं करता, वो नुक्ता चीनी कैसे बर्दाश्त कर सकता है? वो नुक्ता चीनी कैसे बर्दाश्त कर सकता है? क्योंकि आला हजरत कहते हैं कि क्या चाहिए, कब चाहिए, सब मांग सभी मांग। जरूरी नहीं कि हर गल दे उते ही जोर दिता जाए, कदी कदी गल दे विच भी जोर हुंदा है। जिन्हों समझ आई वो बंदा बोले सुभान अल्लाह। मैं क्या जी बाबा जी कि जरूरी नहीं कि हर गल दे उते ही जोर दिता जाए, कदी कदी गल दे विच भी जोर हुंदा है। ते जुमला बड़ा वड्डा कहन लगा मां, जिसको भी जो भी मिला है, जिसको भी जो भी मिला है, वो मेरे नबी का सदका मिला है। बंदे को दौलत मिली है, पैसा मिला है, बंदा किसी मकाम पे पहुंच गया है, उसको मेरे नबी का सदका मिला है। अब तवज्जो मेरी तरफ, जुमला बहुत बड़ा कहने लगा हूँ। माइक अब मैंने इसलिए पीछे किया है, बाबा जी अब देखना ये है कि मेरी आवाज ऊंची है या आपकी सुभान अल्लाह की आवाज ऊंची है। आला हजरत लिखते हैं कि क्या चाहिए, कब चाहिए, सब मांग सभी मांग। अरे किस बात की तखीर है, अब मांग अभी मांग। क्योंकि आला हजरत लिखते हैं कि कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा। हाँ बोलिए जरा, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए। दोनों हाथ उठा के जिसका यह अकीदा है कि कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, और रसूलों से आला, और रसूलों से आला। क्या खबर कितने तारे खिले चुके पर डूबे ना डूबा, पर डूबे ना डूबा। सबसे ओला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। हल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, रसूलों से आला। नारा रिसाल, अल्लाह इस महफिल के सदके सभी को मदीना पाक की बाद बहाल नसीब फरमाए। और ये जो बीमारी आई है, अल्लाह सैयदा कायनात का सदका, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। और जो बीमार है, अल्लाह पाक सैयदा कायनात का सदका, अल्लाह पाक उनको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। अजीजा ने गिरामी कदर बड़ी मोहब्बतों के साथ खूबसूरत आवाज के हामिल सना खान जनाबे हाफिज मोहम्मद हसनात जावेद कादरी साहेब आपसे मुल्तवी हूँ कि आप तशरीफ लाएं और नजराना अकीदत पेश करें। जनाबे हाफिज मोहम्मद हसनात जावेद कादरी साहब। दरूद पाक पर ये सब सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मोहब्बत से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। महबूब दमे लाए यारो, महबूब दमे
महफिल नू सजाई रखना क्योंकि उदे आन दा वेला है। महफिल नू सजाई रखना उदे आन दा वेला है। उड़ रहमत दा महीना है, रहमत ठार मदीना है। लोक दिया ओ लख ठारा पर साड़ी ठार मदीना है। पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। रब मुझको बुलाएगा मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा मुझको बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा। सारे बोलो अल्लाह 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 अल्लाह। सारे बोलो अल्लाह 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 अल्लाह। मुझको बुलाएगा मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आ